हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर एक्सेल में हमको ईएमआई कैलकुलेशन करना है तो कैसे ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं। आज चूंकि पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे क्या एडवांस सैलरी शीट, कि अगर हमको कोई सैलरी शीट बनाना है तो कैसे हम लोग सैलरी शीट बनाते हैं। अब चलिए एक नया शीट लिए यहाँ से और इस पर हम टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ईएमआई निकालना। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, ईएमआई। और ईएमआई के साथ साथ हमको इसमें जानना है क्या गोल सी एंड गोल्स। ईएमआई का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, इक्वाटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा, इक्वाटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या फिर आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं, कि जो पर मंथ आपको क्या करना हो बराबर इंस्टॉलमेंट में देना हो वो क्या कहलाएगा, ईएमआई। और उसी ईएमआई के साथ साथ हम लोग एक चीज और जानेंगे क्या गोल्स। अब देखिए, अगर जो सबसे पहले हम ये मान लें कि हमको क्या करना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ डेटा हम लोग ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे ले लिए क्या, कोई कार खरीद रहे हैं, पहले ले लिए प्रोडक्ट, क्या ले लिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या कार, क्या ले लेते हैं कार। तो हम एक वस्तु खरीद रहे हैं जिसका क्या नाम है, और इस कार का जो प्राइस है वो हम यहाँ टाइप कर लिए। कितने में खरीद रहे हैं, सपोज करिए हम 5 लाख में ही खरीद रहे हैं। कितना में खरीद रहे हैं, 5 लाख। अगला हम यहाँ दे दिए डाउन पेमेंट, क्या दे दिए डाउन पेमेंट, कि अगर जो आप 5 लाख का खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो जमा करेंगे ना। हम कितना जमा कर रहे हैं, सपोज करिए कि 1,20,000 या फिर 1 लाख हम क्या कर दें यहाँ पे जमा कर दें, हो जाएगा ना। उसके बाद हमारा बचेगा क्या लोन अमाउंट, यहाँ दे दिए क्या लोन अमाउंट। हाँ, अगर जो नहीं समझ में आते एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे, कि सबसे पहले हम चले गए थे एक प्रोडक्ट खरीदने जिसका क्या नाम है, जो कितने रुपए का हम खरीद रहे हैं, 5 लाख। कार खरीद रहे हैं कितने रुपए में, 5 लाख, जिसमें से हमारे पास कितना रुपए था, 1 लाख था, हम जमा कर दिए, ये हमारा क्या हो गया डाउन पेमेंट हो गया। तो फिर लोन अमाउंट में कितना रह जाए, जितना रहेगा उसी पे लोन लेना होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब आएंगे तो देंगे इक्वल टू, कितना देना था 5 लाख, जिसमें से हम कितना दे दिए हैं 1 लाख, एंटर कर लीजिए, बचा कितना 4। अब ये 4 लाख हम एक बार में नहीं दे पाएंगे, हम ये सोच रहे हैं इसको मंथली पे हम इंस्टॉलमेंट बनवा लें, इंश्योरेंस करा दें, जो हम क्या करेंगे पर मंथ कुछ कुछ अमाउंट करके हम जमा करते रहे। आ रहा समझ में ना। तो जैसे यहाँ पे 4 लाख हुआ, तो जिस कंपनी से हम खरीद रहे हैं वो कंपनी कह रही नहीं आपको 8% इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना होगा, चाहे 8% का है या 10% या 15%, जितना भी परसेंटेज। यहाँ दे दिए क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वो कंपनी हमसे कितना ले रही है, तो जितना वो कंपनी इंटरेस्ट रखी होगी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जैसे हम ले लिए 9%, कितना परसेंट 9%। और वो कंपनी हमसे पूछी कि अगर जो आप ये 4 लाख का जो अमाउंट है ये आप कितना दिन में हमको पेमेंट कर देंगे, टोटल जमा कर देंगे। आ रहा समझ में ना। हम ये मान लिए कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम जमा कर दी लगभग, ये कितना दिन में जमा कर देंगे हम 9% के ब्याज से, मान लेते हैं 2 साल में। आ रहा समझे ना, या फिर हम ले लेते हैं कितना 2 लाख 6 मंथ, दो दो साल 6 मंथ में, या फिर 3 साल में। तो दो चीज में टाइप कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे ईयर में टाइप करिए, किसमें टाइप करेंगे ईयर में, या फिर आप मंथ में टाइप करें, किसमें मंथ में। तो सबसे बेहतर रहेगा किसमें, मंथ, सबसे बेहतर किसमें रहेगा मंथ। तो हम यहाँ पे क्या किए, ले लिए मंथ में, नहीं वीक में नहीं होगा, हम यहाँ दे दे किसमें मंथ, हो जाएगा ना। मंथ के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो ले लेंगे आखिर ये अमाउंट आप कितना मंथ में दे लेंगे, सपोज करिए अगर जो 2 साल हो जाए कितना मंथ हो जाएगा 24, तो यहाँ टाइप कर देंगे अमाउंट हम कितने दिन में दे देंगे 24 मंथ, हो जाएगा ना। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ईएमआई निकालना है।
क्या निकालना है, ईएमआई। ईएमआई देखिए क्या निकालेंगे, कि और जो 5 लाख का वस्तु था तो हम उस पे जमा कर दिए थे कितना रुपए, 1 लाख रुपए। कितना और देना है, 4 लाख रुपए हमको देना है, जिसमें से 9% हमारा क्या है, इंटरेस्ट। 9% क्या है, इंटरेस्ट। और ये 4 लाख वैल्यू हमको कितने महीने में देना है, 24 महीने में। तो 1 मंथ में आपको कितना अमाउंट देना होगा, ये हमको यहाँ पे निकालना। आ रहा समझ में ना? अब वही अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, ईएमआई। तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो लिखेंगे इक्वल टू पीएमटी। क्या लिखेंगे, इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी के पास देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रेट। पीएमटी के पास क्या कह रहा है, रेट। तो रेट इंटरेस्ट हम यही दिए हैं ना, इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे। लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट दिया गया है ये किस पे आता है, 1 ईयर पे रहता है, 1 साल पे। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेशन होगा, ये 1 साल। लेकिन अभी हम कितना पे यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 मंथ का कर रहे हैं ना, तो इसी में डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 मंथ से। तो 1 मंथ का निकल जाएगा ना, और जब हम 12 से डिवाइड कर दें इंटरेस्ट, तो ये 1 मंथ का कैलकुलेशन कर ले जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से। 12 से डिवाइड क्यों किए, एक बार और समझ लीजिए। जो 9% इंटरेस्ट है ये 1 साल पे है, और जो हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं ये 1 मंथ पे कर रहे हैं, इसीलिए हम 12 से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए। अब क्लियर है ना? और उसके बाद फिर करेंगे कॉमा, एनपीआर। एनपीआर में न्यूनतम पर ईयर कौन सा है, 24 को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर करेंगे कॉमा, पीवी पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है लोन अमाउंट, किस पे आपको लोन लेना है। हमारा लोन अमाउंट कौन सा, इसमें से 4, यही है ना। कॉमा, कॉमा करें तो कह रहा है एफवी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। भविष्य में आपको कोई और भी पैसा देना है, भविष्य में पैसा और देने का मतलब क्या हुआ, कि अगर जो किसी कंपनी से हम अगर जो कोई कार खरीद रहे हैं, तो वो कह रहे देखिए अगर जो आप 5 लाख का खरीद रहे हैं और 1 लाख रुपए दे दे रहे हैं, और बाकी अभी आपको कितना लोन बन रहा है, 4 लाख। तो जिस दिन आप ये 24 मंथ में टोटल इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद से आपको कुछ और अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। कुछ कंपनियों का ऐसा होता है रूल, कि सपोज करिए कि अगर जो आप इसमें से जमा कर रहे हैं, तो 100, 1 हजार रुपए या फिर 2 हजार रुपए छूट कर दिया जाएगा लास्ट। आ रहा समझे ना? तो वो फ्यूचर वैल्यू हमको यही टाइप कर लेना होगा, यही क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। और यदि नहीं है, यहाँ से क्या कर लेंगे, हटा देंगे। जब कोई फ्यूचर वैल्यू है ही नहीं, तो एक बार और कॉमा कर लेंगे। कॉमा कितने बार किए हैं, 2 बार। उसके बाद से यहाँ पे क्या आराम से क्या देखिए, अगर हम यहाँ पे अभी आए, यही है ना, जैसे कॉमा कर रहे थे, यहाँ पे दो चीज दे रहा है, एक दे रहा है एंड ऑफ द पीरियड, और दूसरा दे रहा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जो ईएमआई कैलकुलेशन करना है, कि जब मंथ चल रहा होगा तभी कैलकुलेशन कर लेना है, कि मंथ जब खत्म होगा तब, बेहतर तो वही रहेगा ना, जब मंथ चला हो तभी कैलकुलेशन कर लें। आ रहा समझ में ना? नहीं तो अगर जो मंथ कंप्लीट होने वाला रहेगा तब करेंगे, तो बेहतर यही रहा, या तो एंड कर देंगे या तो बिगिनिंग कर देंगे। एंड करें तो महीने के लास्ट में जाके कैलकुलेशन करेगा, और अगर बिगिनिंग करेंगे तो महीना चल रहा होगा तभी कैलकुलेशन इंटरेस्ट कर लेगा। हम 1 ही कर दिए यहाँ पे, 1 करने उस ब्रैकेट को क्या कर दिए, क्लोज। और उसके बाद से इंट इंट यहाँ पे निकल के आ गई ईएमआई। कितना देना पड़ेगा, 18,137 रुपए 86 पैसे। हाँ बता रहे, आ रहा समझे ना? अभी ये डॉलर में आया इसलिए क्योंकि जो हम ईएमआई निकाले हैं ना, ये ईएमआई का जो फंक्शन या फिर ये एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हैं, ये यूएस का एप्लीकेशन है, इसलिए वहां का क्या दिखाता है, इसमें डॉलर। और उसके साथ साथ आप एक चीज और इसमें देख रहे होंगे, जो ईएमआई हम लोग कैलकुलेट किए हैं ना, ये रेट में आया है, किसमें आया है, रेट। जो अमाउंट आपके ऊपर लोन होता है, कर्ज होता है, वो माइनस में आता है, और जब हम यहाँ पे आए तो ये रेट का मतलब क्या, माइनस में है, किसमें है, माइनस। तो सबसे पहले तो अगर हमको माइनस हटाना है
या फिर डॉलर का सिंबल हटाना है तो आपको यहीं पे एक सिंबल दिखाई देगा, किसका, कॉमा, किसका, कॉम, ठीक कर दो, हट गया, हो जाएगा ना। चलिए एक बार और फिर दोबारा रिपीट करें, समझ लीजिए कैसे हम किए हैं। सबसे पहले तो हम इसको हटा दें जो लिखे, कौन सा वस्तु खरीद रहा अभी हम लोग का, कितने रुपए का, 5 लाख। कितना हम जमा कर दिए, 1 लाख। कितने पे लोन ले रहे हैं, 4 लाख पे। ब्याज वो कंपनी हमसे कितना ले रहा है, 9%। ड्यूरेशन हम कितना लिए हैं, मंथ कितना लिए हैं, 24 मंथ। तो 1 मंथ में कितना ईएमआई आएगा ये हमको कैलकुलेशन करना है। तो बताए हैं कि आप इक्वल टू करके पीएमटी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, पीएमटी। और पीएमटी के बाद से जो रेट है, रेट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। रेट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, कितना से, 12 से। 12 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि क्या करना है हमको, ये जो है ये 1 साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हमको कितने दिन का निकालना है, 1 मंथ का। तो हम कितना से डिवाइड कर दिए, 12 से, कॉमा। अब कह रहा है एनपीआर, एनपीआर में किसको सेलेक्ट करना है, मंथ। फिर कॉमा पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू किसको सेलेक्ट करना है, लोन अमाउंट। कॉमा फ्यूचर वैल्यू कोई है, नहीं है, फिर कॉमा किए और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए क्या ले लिए, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और निकल कर क्या गया है ना, डॉलर हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कॉमा, हो जाएगा ना। और यदि चाहते नहीं, हम रुपए लिखना चाहते हैं, इंडियन करेंसी, तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट दिखाई देगा, दिख रहा है ना। पहले ये वाला सेल्फ हम सेलेक्ट किए, और सेल सेलेक्ट करने से कहाँ चले गए हम, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद से मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट। जैसे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाता, आपको सिंबल दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है ना। अब यही सिंबल में जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी रुपए करके दिखाई देने लगेगा, नीचे स्क्रॉल करके आ जाओ। हिंदी रुपए करके आ गया है ना, सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। देखिए हिंदी इंडियन करेंसी में तैयार हुआ है, हो जाएगा ना। तो पहले ये बता दीजिए, ईएमआई कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कैसे, तो सेम यही डेटा हम यहाँ पर बगल में ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ दूसरा वस्तु लेकर के समझने के लिए इसको हटा दी। अब हम यहाँ पे आगे क्या कर लेते हैं, कार के बजाय इस बार हम लोग खरीद लेते हैं क्या, आईफोन खरीद लिया जाए जी, क्या खरीद लेते हैं हम लोग, कितने रुपए का, चलो मान लेते हैं 1 लाख का। कितने कितने का हो गया, अब जितना का होगा आप लोग ले लीजिएगा, हम यहाँ पे ले लिए कितने का, 1 लाख। जमा कितना कर दिए, तो ज्यादा नहीं था, बस 20 हजार था, 20 हजार क्या कर दिए, जमा कर दिए। तो लोन अमाउंट कितना आ जाएगा, 80 हजार। ये निकालने के लिए लोन अमाउंट पता है ना, इक्वल टू करेंगे और 1 लाख को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, माइनस, और फिर 20 हजार को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, 80 हजार आ गया यहाँ पे। और आगे हमको क्या देना है यहाँ पे, इंटरेस्ट। ब्याज कितना दे रहा है, ले रहा है वो कंपनी, सपोज कर इस बार ये कंपनी ब्याज ज्यादा नहीं, बस 7% ले रहा है, कितना परसेंट, 7%। ड्यूरेशन इस बार मंथ कितना है, मान लीजिए 24 मंथ में ही देना है, या इस बार कहीं हो सकता है 30 मंथ में देना हो, कितने मंथ में, 30 मंथ। या अमाउंट कम है, 80 हजार ही है, हम इसको 18 मंथ में कर लेते हैं, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम करेंगे इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के यहाँ से क्या करेंगे, फिर पहले क्या पूछ रहा हमसे, तो रेट इंटरेस्ट कितना लगा है हमारे ऊपर, 7%। तो ये 1 साल का है ना, 1 मंथ का करना है तो कितना से डिवाइड कर देंगे, 12, कॉमा। एनपीआर में किसको सेलेक्ट करना है, मंथ को, कॉमा। पीवी में किसको सेलेक्ट करना है, लोन अमाउंट, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू कोई है,
फिर क्या कर लेंगे, हम जीरो भी ले सकते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इन। तो जानते हैं क्या होगा, बस थोड़ा सा अमाउंट में चेंजिंग आएगा। अभी कितना दिख रहा है, 4,694 रुपये दिख रहा है ना, अगर यही हम यहाँ पे 1 कर दें, अब कितना हो गया, 4,600। सर कुछ अमाउंट कम हुआ है ना, कुछ अमाउंट कम हुआ है। क्यों कम हुआ है समझ लीजिए, तो एक एग्जांपल समझिए, मार्च का मंथ चल रहा है ना, कौन सा मंथ चल रहा है, मार्च का। हम ये मान लिए किसी से अगर हम लोन लिए हैं, तो जब एंड ऑफ द पीरियड लेंगे ना, तो इस मंथ के जब 31 मार्च आएगा, तो उस दिन जमा करना होगा, तो ब्याज कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और अगर ये मंथ के अगर हम शुरू में ही जमा कर देंगे, तो ब्याज कुछ कम होगा कि नहीं होगा, आ रहा समझे ना। तो बिगनिंग और एंड का मतलब बस यही है कि अगर जो बिगनिंग करेंगे तो शुरू में, और अगर जो आप एंड कर देंगे तो लास्ट, जब लास्ट करेंगे तो अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब बिगनिंग करेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा ना। अब उसके बाद सब अमाउंट आपको कितना देना पड़ रहा है, 4,667 रुपये 57 पैसे हो जाएगा ना। लेकिन अब रही बात एक चीज ये कि उसको टोटल कितना अमाउंट देना था, 80,000 देना था ना। अगर हम 4,667 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो 18 मंथ उसको हम कितना पैसा दे चुके रहेंगे, कैलकुलेट करो तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर जो कैलकुलेट करना है कि अगर जो 4,667 हम पर मंथ दे रहे हैं, तो जब 18 मंथ हम लगातार देते रहेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये भी नहीं तुमको नहीं डरा क्या, तुम डेली सो क्यों जा रहे हो क्लास में, नहीं तुम पहले इधर सामने आओ, तो कंप्यूटर के सामने तुम दिखाई नहीं दे रहे, चलो इधर आओ, गधा कहेंगे पढ़ने आए हो तो इधर आओ, उठो खड़े हो जाओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, नहीं, तुम आ जाओ, तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम ट्रस्ट तोड़ दिए हो, कसम खाओ कि हम नहीं सोएंगे, खाओ कसम। तो इतना ये समझ आ रहा है ना, अगर हमको ये पता करना है कि ये 4,667 रुपए अगर जो पर मंथ देंगे, तो 18 मंथ में कितना दे चुके रहेंगे, देखो बगल में सो रहा है, अब तुमको नहीं डर रहा है क्या, तुमको भी कसम खिलवा देंगे, हाँ तब क्यों सोए हो तुम, नहीं आता हाँ तो इधर सामने देखो पहले, तब बात सुनना, समझ आ रहा है। अब कल से जानते हो तो तुम लोग क्या करेंगे, गले में रस्सी बांध के टांग देंगे पंखे में, ना ऐसे होगा ना, तुम सोओगे, देखिए नहीं, देखोगे वो तो। अब समझिए हम इसमें इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा ना कि 18 मंथ हम कितना पैसा दे चुके रहेंगे। देखिए यहाँ से दो चीज हमको कैलकुलेशन मिलेगा, पहला क्या कि अब अगर जो 18 मंथ कंप्लीट होगा, तो टोटल हम उसको कितना पैसा दे चुके रहेंगे, और उसके साथ साथ ये भी हमारा कैलकुलेशन होगा, हम उसके ऊपर ब्याज कितना दे दे रहे हैं, आया समझ में ना। देखिए उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आने के बाद से ये वाला वैल्यू नहीं, तो हम लिख लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, 4,667 रुपये 57 पैसे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये लिख क्यों रहे हैं, सेलेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये वाला वैल्यू हमारा किस में है, माइनस में है, और बाद में जब प्लस करने जाएंगे, इस फिर माइनस करने जाएंगे, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, प्लस, जब माइनस करना चाहिए तो वहां पे क्या कर देगा, जोड़ देगा, आ रहा समझ में ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, इस वाले वैल्यू को टाइप कर ले रहे हैं, कैसे, तो जो टाइप नहीं करेंगे तो देखिए क्या एरर आएगा, इसको सेलेक्ट कर लिए और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिए, किसको सेलेक्ट कर लेंगे, 18 को, इंटर कर दिए, तो अगर जो 18 मंथ तक हम इतना देंगे, तो टोटल हम उसको कितना पैसा दे चुके रहेंगे, तो देखिए कितना आया है, 84,016 रुपये 29 पैसे इतना दे चुके रहेंगे ना। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जितना एक्स्ट्रा दे रहे वो निकल जाएगा ना, हम यहाँ कर लिए इक्वल टू, इक्वल टू बस इसको सेलेक्ट, माइनस किए और इसको सेलेक्ट करके क्या कर लिए, इंटर, देखिए सीधा उसका दोगुना हो जाएगा। हाँ एक काम कर सकते हैं कि माइनस के जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर लो,
माइनस के जब क्या कर लेंगे प्लस, और फिर इसको सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे, तो माइनस और प्लस बन के क्या बन जाएगा, माइनस, एंटर कर लेंगे। कितना आया है? 4,016 रुपए 29 पैसा आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं ब्याज के रूप में, निकल जाएगा। तो ईएमआई कैसे कैलकुलेशन हो रही है, क्लियर हो रहा है ना? नहीं होती एक बार और रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए। सबको डिलीट कर दिया मैं यहाँ से, यहाँ से ईएमआई वाला भी डिलीट कर दिए। प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डाउन पेमेंट, लोन, इंटरेस्ट और ड्यूरेशन यानी कि मंथ, ये क्लियर हो रहा है इतना ना? ईएमआई के लिए हम क्या बताएं, इक्वल टू पीएमटी, रेट को क्या करना है सेलेक्ट, डिवाइड करना है कितना से, 12 से। कॉमा पहले किसको सेलेक्ट करना है, अब मंथ को, कॉमा फिर दोबारा किसको सेलेक्ट करना है, लोन अमाउंट, दो बार करना है कॉमा, और लास्ट में करना वन ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा ना। अब इसके बाद हमको टोटल पता करना है कि हम ये पैसा 18 मंथ में कितना दे चुके रहेंगे, तो उसके लिए बताएं आप इक्वल टू करिए, इसको सेलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई का सिंबल, और 18 को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, ये टोटल निकल करके आ जाएगा ना। अब आगे हम बताएं आपको यहाँ पे निकालना, तब ब्याज कितना दे चुके रहेंगे, हमको देना इतना ही था लेकिन हम इतना दे चुके हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो माइनस करें तो निकल क्या जाएगा, हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, इक्वल टू करेंगे, और ये वाला वैल्यू माइनस में है तो प्लस कर देंगे, तो माइनस प्लस में मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, माइनस, किससे, 80,000 से। इंटर करेंगे तो हम कितना एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं, 4,016 रुपए 29 पैसे, यही हमारा क्या है, ब्याज के रूप में जा रहा है, इंटरेस्ट के रूप में। क्लियर है सबको ना, कोई दिक्कत इसमें? अब रही ये चीज, अब हमको गोलसिक निकालना है, क्या निकालना है, गोलसिक, गोलसिक क्या बता रहे, समझ लीजिए, गोल का मतलब पता है ना, लक्ष्य होता है, गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। फिर सो रहे हो, हाँ बता, गोल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, अच्छा लक्ष्य होता है, ऐसे ध्यान दो इधर। अब देखिए अभी हमको अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, 4,667 रुपए। अब कहीं ऐसा हुआ कि हमारे पास 4,600 नहीं हो पाएगा, हम 3,000 ही दे पाएंगे या 2,000 ही दे पाएंगे पर मंथ, ऐसा कंडीशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, या ऐसा हो सकता है बस 4,600 है ना, हम आपको 5,000 तक दे देंगे या 6,000 तक दे देंगे, अमाउंट बढ़ भी सकता है और अमाउंट कम भी हो सकता है, आ रहा समझ में ना। हाँ अगर जो मंथ कह रहा है कि नहीं 18 नहीं हम 24 मंथ में देंगे, तो बस मंथ चेंज करेंगे हमारा ईएमआई अपने आप चेंज हो जाएगा, चेंज हो जा रहा है ना। लेकिन अगर हम ईएमआई यहाँ पे कहें कि नहीं हम 2,000 रुपए देंगे, 2,000 टाइप कर ले, क्या हमारा मंथ चेंज हो रहा है, अब फार्मूला भी यहाँ का हट गया है ना, तो हम यहाँ पे ईएमआई को टाइप नहीं कर सकते, तो हम किसके माध्यम से निकालेंगे, गोलसिक के माध्यम से, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम ईएमआई को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, और एक मंथ में हम ज्यादा नहीं बस 2,000 दे पाएंगे, तो मंथ कितना मंथ तक हमको 2,000 देना पड़ेगा, आप बताइए, अगर जो मंथ कम कर ये अमाउंट कम करेंगे तो मंथ बढ़ेगा ना, मंथ क्या होगा तब बढ़ेगा। उदाहरण समझ लीजिए, अगर जो किसी व्यक्ति को आपको पैसा देना है, 10 रुपया देना है, एक एक रुपया जो 10 दिन में देंगे तो कितना दिन देना पड़ेगा, 10 दिन, और जो दो दो रुपए देंगे कितना दिन देना पड़ेगा, 5 दिन। अमाउंट बढ़ रहा है तो दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जब अमाउंट कम हो तो दिन क्या होगा, बढ़ेगा। अमाउंट कम करना हमको 2,000 बस देना है, तो पहले ईएमआई को क्या कर लेंगे सेलेक्ट। अब आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई देगा, डाटा टैब, कौन सा टैब, डाटा टैब, और डाटा टैब में ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस में आपको दिखाई देगा क्या, गोलसिक, क्लिक करिए गोलसिक पे, तो क्या सेट सेल में ईएमआई सेलेक्ट हो गया है ना। हाँ अगर जो नहीं हुआ होगा तो बैक स्पेस करके हटा दीजिएगा, और किसको सेलेक्ट कर लेंगे, ईएमआई को, किसमें, सेट सेल में, और जब टू वैल्यू में आएंगे
तो ब्रैकेट में दे देंगे कितना अमाउंट देना है, मान लेते हैं 2,000 देना है, और ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज। देखिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, ब्रैकेट में ओपन और क्लोज नहीं करें तो रिजल्ट नहीं है यार। आप बाई चेंजिंग सेल कि अगर जो आप 2,000 दे रहे हैं ईएमआई, तो चेंज किस में होना चाहिए, मंथ में ही होना चाहिए ना, कि 2,000 के हिसाब से देंगे कितना मंथ देना पड़ेगा। तो किसको सेलेक्ट कर लिया, मंथ को, और यहाँ से क्या कर लिए, फिर यहाँ से भी क्या कर लेंगे। देखिए अभी डेसिमल ज्यादा है तो डेसिमल डिक्रीज करने के लिए आप लोग को होम टैब से बताए थे, और जो 2,000 देंगे तो आपको कितना मंथ देना पड़ेगा, 45। गोल से भी निकल जाएगा ना। एक हम लक्ष्य ले लिए कि हमारे पास 4,000 इतना नहीं हो पाएगा, हम कितना दे पाएंगे, 2,000 ही दे पाएंगे। तो एक लक्ष्य निकल कर क्या गया है ना कि अगर जब आप 2,000 देंगे तो कितना मंथ आपको जमा करना होगा, 45 हो जाएगा। तो ईएमआई निकालने में या फिर ये गोल से कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। और एक चीज और याद रखिएगा, अभी हम लोग यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किए हैं ना। अगला एक फार्मूला आता है पीपीएमटी और आईपीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आईपीएमटी के माध्यम से इंटरेस्ट को अलग कर देंगे और पीपीएमटी के माध्यम से अपना प्रिंसिपल वैल्यू अलग कर देंगे, हो जाएगा ना। अगर जो ये 2,000 रुपये हम दे रहे हैं, इस 2,000 रुपये में हमारा कितना पैसा है और इसके ऊपर कितना ब्याज है, ये किससे कैलकुलेशन होगा, पीपीएमटी और आईपीएम। तो फिलहाल अगर जो ईएमआई कैलकुलेशन करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कैलकुलेशन करना हो ईएमआई तो आज आप लोग ऐसे ईएमआई कैलकुलेशन करिए लोग।